दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू जॉब इंस्ट। मैं हूं प्रकाश। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के पोस्ट में टोटल 210 वैकेंसी निकली हुई है। बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी निकली हुई है। जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, इसकी रिगार्डिंग मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है। वीडियो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो उस वीडियो की लिंक डाल दूंगा। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि ये जॉब उतनी अच्छी नहीं है, इसके रिगार्डिंग नेगेटिविटी फैला रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ये जॉब वन ऑफ द बेस्ट जॉब है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आप एज जूनियर कोर्ट असिस्टेंट ज्वाइन करोगे, ग्रुप बी की पोस्ट रहेगी, नॉन गैजेटेड पोस्ट है, सैलरी आपकी 60,000 प्लस रहेगी। ज्वाइनिंग के साथ आपकी इन हैंड सैलरी इतनी बनेगी। इसके अलावा बहुत सारे पर्क्स, फैसिलिटीज, बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में आप यार वर्क कर रहे हो तो आप समझ सकते हो सोसाइटी में आपकी क्या रिस्पेक्ट रहेगी। सबसे अच्छी बात इस जॉब की है कि आपकी परमानेंट पोस्टिंग दिल्ली में रहेगी, कोई ट्रांसफर का झमेला नहीं, कोई टेंशन नहीं, एक लोकेशन रहेगी, वहीं आपको रहना है, बिल्कुल सेट हो सकते हो, लाइफ सेट हो जाएगी। तैयारी कैसे करनी है, प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम का, जो ये जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के पोस्ट में, ये कैसा होता है। देखिए, पिछली जो एग्जाम हुई थी इससे पहले ये 2017 में हुई थी, 2016 में नोटिफिकेशन आई थी, 2017 में एग्जाम हुई थी, नोटिफिकेशन से लगभग 5-6 मंथ्स के बाद एग्जाम हुई थी। तो इस बार भी नोटिफिकेशन से आप मान सकते हो कि मे बी 5-6 मंथ लग सकता है, हो सकता है जल्दी हो जाए, लेकिन जो भी हो आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना है क्योंकि बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन जॉब है। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहता है, तो देखिए टोटल 3 स्टेजेस में आपका सिलेक्शन होता है। स्टेज 1 में आपको एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट देना होगा और सेम डे आपको टाइपिंग टेस्ट यानी कि कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा। उसे क्लियर करने के बाद आपको स्टेज 2 के लिए कॉल किया जाएगा। स्टेज 2 में आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर देना होगा। स्टेज 1 जो होगा ये कंप्लीटली ऑनलाइन होगा, स्टेज 2 जो होगा ये पेन पेपर बेस्ड होगा, और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। स्टेज 3 होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू। तो सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए, स्टेज 1 में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, इंग्लिश जनरल एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड में क्वांट एंड रीजनिंग दोनों आ गया तो उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, देन जीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड कंप्यूटर नॉलेज से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद सेम डे में आपको कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट देना होगा। टाइपिंग टेस्ट में 35 वर्ड्स पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए, 10 मिनट्स का आपका टेस्ट होगा, यानी कि टोटल 350 वर्ड्स आपको टाइप करने होंगे। ये हो गया स्टेज 1। स्टेज 2 की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपको देना होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। पूरा जो एग्जाम होने वाला है ये इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि सर इंग्लिश एंड हिंदी दोनों होने चाहिए, लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो पूरा वर्क होता है, पूरा जो प्रोसेस होता है, ये कंप्लीटली इंग्लिश में होता है, इसलिए यहाँ पे हिंदी की कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता है हिंदी के लिए कि हिंदी में एग्जाम हो या ऐसा कुछ नहीं ऑप्शन रहता है, पूरा कंप्लीटली इंग्लिश में होता है। इंटरव्यू भी आपको इंग्लिश में ही देना होगा। तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, तो पैसेज पूछा जाएगा, प्रेसाई राइटिंग रहेगा और साथ ही साथ एसे राइटिंग रहेगा। तो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें कहाँ पूछी जाती हैं, किस टाइप का सिलेबस रहता है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, प्रिपरेशन से पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, यानी कि 2017 में जो एग्जाम हुआ था, उस क्वेश्चन की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप अभी जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो एंड वहां पर जो पीडीएफ अवेलेबल है प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन, वो आप सबसे पहले देख लेना। वीडियो कंप्लीट होने के बाद वो पीडीएफ आप देख लेना, उसमें उससे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि ये जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होने वाला है इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड आपको कैसे कैसे प्रिपरेशन करना है, किस लेवल की प्रिपरेशन करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट की। ये जो पूरा एग्जाम का पैटर्न होने वाला है ये एसएससी के जैसा होने वाला है। तो अगर आप एसएससी या रेलवेज की तैयारी कर रहे हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, लेकिन अगर आप बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे हो तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। कैसे, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, मेनली 3 टाइप के कैंडिडेट्स हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक वो कैंडिडेट्स है जो एसएससी कैंडिडेट्स है, एसएससी एस्पिरेंट्स है। तो एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए क्या है, एग्जाम पैटर्न एग्जैक्टली सेम रहने वाला है। तो अगर आपने क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, ये पूरी चीजें एग्जैक्टली सेम रहेंगी, साथ ही साथ जो आपका रीजनिंग हो गया ये भी सेम रहेगा एंड टाइपिंग टेस्ट, क्योंकि एसएससी के लिए आपको पता है कि टाइपिंग टेस्ट भी रहता है, टाइपिंग टेस्ट हो सकता है प्रैक्टिस कर रहे होगे, तो ये सारी चीजें सेम रहने वाली। एक जो डिफरेंस हो जाएगा, जो एक नई चीज आपको पढ़नी होगी, वो होगी कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो वो आपको पढ़ना हो, कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट हो तो बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए फिर कैसे प्रिपरेशन करना है, तो आप ऑलरेडी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे होगे तो मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर एंड रीजनिंग, ये ऑलरेडी सेम रहने वाला है, एग्जैक्टली सेम रहने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। एक्स्ट्रा आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्टिव भी आपका सेम रहेगा, क्योंकि जैसे पीओ के पोस्ट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे होगे तो डिस्क्रिप्टिव भी आप कर रहे होगे तो वो भी सेम रहने वाला है। थोड़ी थोड़ी चेंजेस रहेंगे तो वो मैं आपको बता दूंगा। और एक जो थोड़ी अंतर रहेगी, जो थोड़ा नया रहेगा, वो होगा जीके, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक जीके थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है, करंट जीके थोड़ा कम पूछा जाता है, तो वो कैसे करना है वो आगे बात करेंगे। देखिए, बैंकिंग एस्पिरेंट अगर आप हो तो बैंकिंग में तो टाइपिंग टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, लेकिन यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट आपको आनी चाहिए। तो टाइपिंग कैसे करना है, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। और अगर आप एक बिगिनर हो तो भी मैं आपसे यही कहूँगा कि जो मैं आपको बता रहा हूँ उसे पूरा फॉलो करो, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा।
क्या क्या चीजें करनी है, कहां से करनी है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो जीके से, क्योंकि जीके सबसे ज्यादा लोगों को टफ लगता है। जीके में देखिए, अगर आप क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो, तो 4 से 5 क्वेश्चन केवल सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन कितने ईयर्स के लिए वो आते हैं, और उसके बाद फिर कौन उसे इन्हें अपॉइंट करता है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो डिफरेंट कमिटीज वगैरह रहती है उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सिंस मैंने बताया कि एसएससी का पैटर्न फॉलो किया जाता है, तो अगर आपने ईएसआईसी, एमटीएस, ईएसआईसी, ओडीसी की प्रिपरेशन की होगी तो यहाँ पे आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा, पूरा फायदा आपको मिलने वाला है। और स्टैटिक जीके कहाँ से करना है, तो बस एक ही बुक है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, एक बुक है, उसी से आपको करना है, लूसेंट जीके। करंट अफेयर से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में पूछा जाएगा, कोई फेमस पर्सनैलिटी है उनके बारे में पूछा जाएगा, कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी से रिलेटेड, अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सब आपको कवर करने होंगे। हिस्ट्री में अगर बात करें स्टैटिक की, तो देखिए हिस्ट्री में मेनली वार्स हो गया, बैटल्स हो गया, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन पॉलिटी की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देन पार्लियामेंट से पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, देन आर्टिकल्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस की अगर बात करें तो देखिए साइंस में अलग से आपको कुछ नहीं करना है, जो प्रीवियस ईयर के एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चंस रहेंगे या एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस रहेंगे केवल साइंस वाले, वो आप पढ़ लेना बस, उसके अलावा आपको अलग से साइंस पूरा बुक वगैरह कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहां से आपका पूरा कवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स कहां से करना है, तो करंट अफेयर्स के लिए जो मंथली पीडीएफ अगर आती है वो आप कर सकते हो, या जो वीकली पीडीएफ आती है वो आप कर सकते हो। बैंकिंग एस्पिरेंट अगर आप हो तो ऑलरेडी आप मंथली पीडीएफ कर रहे होगे या वीकली पीडीएफ कर रहे होगे, तो आपको अलग से कुछ नहीं करना होगा। अगर आप बिगनर हो तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप प्रिपरेशन आपको तो करना ही होगा, तो आप जहां से भी कर रहे हो, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो करंट अफेयर्स भी थोड़ा आप देखना स्टार्ट कर दो, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। मैथ्स की अगर बात करूं तो मैथ्स में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे अरिथमेटिक सेक्शन से मिलेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, मिक्सचर हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, देन एवरेज, पार्टनरशिप, टाइम डिस्टेंस, इस टाइप के क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। तो आप या तो बैंकिंग एस्पिरेंट हो या फिर आप एसएससी एस्पिरेंट हो, दोनों के लिए सेम रहने वाला है। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, तो प्रिपरेशन के लिए आप ऑलरेडी अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो अच्छी बात है, अगर आप प्रिपरेशन आपने स्टार्ट नहीं किया तो कैसे प्रिपरेशन करना है उसके रिगार्डिंग मैंने सेपरेट डिटेल वीडियो बनाई हुई है, इधर आप वीडियो देख लेना, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और प्रैक्टिस कहाँ से करना है, तो एसएससी सीएचएसएल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे, एसएससी सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में जो मेनली कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस हो गए, अल्फा न्यूमेरिक हो गया, इस टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं, सीरीज के क्वेश्चंस बनते हैं, वो सब आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा रीजनिंग नहीं पूछा जाता है, मैथ से ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें भी आपको ये करना, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होंगे एसएससी सीएचएसएल सीजीएल के, वो आप थोड़े प्रैक्टिस कर लेना। अब बात करते हैं इंग्लिश की, इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, कौन से बुक्स है वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो देखिए इंग्लिश में मेनली 3 चीजें ही होती है, ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्वेश्चंस पूछे आएंगे, एरर्स से क्वेश्चंस पूछे आएंगे, फिलर्स से क्वेश्चंस पूछे आएंगे, तो ये आपको करना है। उसके बाद वोकैब की अगर बात करें तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, यानी कि एसएससी में जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस टाइप का आपको प्रैक्टिस करनी है, वैसे आपको पढ़ाई करनी है। तो वोकैब में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एडियम्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी है। इससे लगभग 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वोकैब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं तो कॉम्प्रिहेंशन में आपको 2 पैसेज दिए जाते हैं एंड उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके अलावा एक पैरा जंबल भी दिया जाता है, मे बी 5 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, कौन सी बुक को फॉलो करना है, तो देखिए नीतू सिंह मैम की एक बुक आती है, वो बैंकिंग के लिए भी बहुत अच्छी है और साथ ही साथ एसएससी एग्जाम के लिए बहुत अच्छी है, तो वो एक बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा। वो बुक अगर आपके पास नहीं है तो आप जरूर परचेज कर लेना, नीतू सिंह मैम की है बुक प्लिंथ टू पैरामाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। सारे स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश अगर आप इंप्रूव करना चाहते हो। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब वीडियोज वगैरह देखना चाहते हो तो वो आप देख सकते हो। कॉम्प्रिहेंशन कैसे इंप्रूव करना है, तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए बस आपको आप आदत डालो, न्यूज़पेपर रीडिंग की आदत डालो या फिर बुक्स वगैरह रीडिंग की आदत डालो, मैगजीन रीड करो, जो भी पढ़ने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको जो डिस्क्रिप्टिव वाला जो सेक्शन होने वाला है ना इंग्लिश का, उसमें भी आपको फायदा करेगा। ऐसे लिखना है जिसमें प्रेसाइज राइटिंग रहता है और कॉम्प्रिहेंशन रहता है, तो उस सब चीज में भी आपको फायदा करेगा, तो इसलिए आप न्यूज़पेपर रीडिंग की आदत एक डाल लो। देखिए अगर बात करें कंप्यूटर की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कंप्यूटर नॉलेज कहाँ से करना है, क्या क्या चीजें पूछी जाती है, तो मोस्टली जो आप क्वेश्चंस देखोगे जैसे शॉर्टकट से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड एंड पावर पॉइंट, इस रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन तीनों में शॉर्टकट कैसे यूज किया जाता है, क्या क्या चीजें होती है, वो सब मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आप जैसे देखोगे आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स में जो पीओ एंड क्लर्क के पोस्ट में जो एग्जाम्स होती है उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो आप देख लेना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कुछ उठा के देख लेना किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, वहां से आप कर सकते हो। और कैसे प्रिपरेशन करना है, तो यूट्यूब सबसे बेस्ट सोर्स है, यूट्यूब से आप कर सकते हो। एक वीडियो है जिसमें 4 आवर्स
में उन्होंने पूरा कंप्यूटर पढ़ाया हुआ, अच्छे से समझाया हुआ है। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, डाल दूंगा, वहां से आप कर लेना, वो वीडियो आप देख लेना। साथ ही साथ एक पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दे रहा हूँ, उस पीडीएफ से आप पूरा एक बार पढ़ लेना, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। देखिए बहुत ज़्यादा कंप्यूटर में टफ चीज़ें नहीं पूछी जाती, बहुत ही बेसिक लेवल की पूछी जाती है, लेकिन मेन है कि बेसिक लेवल ही बहुत लोगों को नहीं पता होता। कंप्यूटर चलाना तो सबको आता है लेकिन बेसिक नॉलेज किसी के पास नहीं होती, तो इसलिए बेसिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंप्यूटर की हिस्ट्री होगी, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर हो गया, देन इंटरनेट वगैरह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो वो सब आपको पूरा अच्छे से करना है। अब देखिए ये तो हो गई आपकी ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ये कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, ऑनलाइन टेस्ट होगा। इसके बाद आपको एक 10 मिनट की टाइपिंग टेस्ट देनी होगी जो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट रहेगी, एंड इसमें 350 वर्ड्स की एक पैराग्राफ रहेगी, वो आपको टाइप करना होगा। एंड इसमें जो एरर अलाउड है ये केवल 3% है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट चाहिए, इवन इससे ज़्यादा स्पीड होनी चाहिए। तो आपकी जो भी अभी स्पीड होगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ। अभी आपकी क्या स्पीड हो सकता है, आप 20 वर्ड्स पर मिनट टाइप कर रहे होगे या फिर 24 वर्ड्स पर मिनट टाइप करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ उस वेबसाइट में जाकर आप डेली आदत डालो, अभी से सपोज 2 महीने या 3 महीने का आपके पास समय है, तो डेली आप प्रैक्टिस करने की आदत डालो, आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी, 35, 36, 37 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड चली जाएगी। कौन सी वेबसाइट है, देखिए इस वेबसाइट का नाम है 10fastfingers.com, यहाँ पे आप देख सकते हो 10fastfingers.com, इस वेबसाइट पे आपको जाना है और प्रैक्टिस करना है, डेली प्रैक्टिस करने की आदत डालो। इनिशियली आप कर सकते हो कि 200 वर्ड्स की टाइपिंग आप कर सकते हो पर डे, और उसके बाद जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी स्पीड इंक्रीज होगी, तो 1000 वर्ड्स टाइपिंग के लिए भी वहाँ ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, तो वहाँ से भी आप वो आप कर सकते हो। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये चीज़ डेली करनी है, और बाकी एग्जाम्स में भी आपको फायदा होगा, SSC के लिए अगर आप अप्लाई करते हो या फिर रेलवेज के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ भी आपको इस चीज़ का फायदा होगा, तो इसलिए स्पीड अपनी इंप्रूव कर लो, इंक्रीज कर। तो ये जो पूरी चीज़ है मैंने आपको बताई ये है स्टेज 1, इसकी इसे अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपको स्टेज 2 के लिए कॉल किया जाएगा। स्टेज 2 क्या रहेगा, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, एक कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा यानी कि पैसेज रहेगा, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद एक प्रेसाई राइटिंग रहेगा, प्रेसाई राइटिंग का मतलब सिंपल होता है कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है एंड उसे आपको समराइज करके लिखना है, यानी कि उसकी समरी आपको लिखनी होती है। और एक एसे राइटिंग रहेगा, कोई भी रैंडम टॉपिक दिया जाएगा उसके ऊपर आपको एसे लिखना है। देखिए एसे राइटिंग के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, वीडियो की लिंक आपको इधर मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, भी मैं वीडियो की लिंक डाल दे रहा हूँ, आप वो वीडियो जाकर देखना, एसे कैसे लिखा जाता है, क्या क्या चीज़ें होती है, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक मैं बेसिक आपको बता दे रहा हूँ, देखिए एसे में मेनली 3 चीज़ें होती है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में हुआ कि जो टॉपिक है उसके बारे में आपको कुछ बताना है, बॉडी में आपको सारे फैक्ट्स वगैरह आपको पता है तो वो आप बताओ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप बताओ, एंड लास्ट में कंक्लूजन आपको लिखना है, यानी कि आपकी उसके ऊपर व्यू क्या है एंड गवर्नमेंट क्या कर सकती है इंप्रूव करने के लिए, जैसे कुछ सोशल कॉज वगैरह के ऊपर अगर कुछ टॉपिक दिया जाता है तो उसके ऊपर आपको लिखना है आपकी जो व्यूज रहेगी एंड जो डिफरेंट एंगल से क्या क्या चीज़ें हो सकती है और जो सॉल्यूशन हो सकता है वो आपको कंक्लूजन में लिखना होता है। तो ये एक पूरा पैटर्न होता है, इसमें आपको इसी फॉर्मेट में आपको ऐसे लिखना होता है। प्रेसाई राइटिंग क्या होता है, प्रेसाई राइटिंग में एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, अगर उसमें कोई टाइटल नहीं दिया हुआ है तो फिर आपको टाइटल भी लिखना है एंड उसके बाद आपको अपने वर्ड्स में सारी चीज़ों को समझाना है, तो कोई आपको अपनी ओपिनियन उसमें नहीं डालनी है, कोई आपको उसमें जितना सिंपल आप रख सकते हो उतना सिंपल रखना है, जो जो केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब चीज़ें आपको लिखनी है। एग्जैक्ट आइडिया क्या है उस पैसेज का, वो आइडिया आपको उसमें शो करना है, यानी कि जो पैसेज का आइडिया रहेगा और जो आपके समरी का आइडिया रहेगा वो सेम होना चाहिए, सेम चीज़ें मैच करनी चाहिए, बस यही है। और टाइटल जरूर देना, पैसेज का जो आपका समरी का टाइटल है ये आप जरूर देना। और बाकी जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन रहेगा वो तो आपको पता ही रहता है, उसमें केवल एक पैसेज दे रहेगा उससे बेसिस के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो आपको आंसर करने होंगे। देखिए ये जो होगा ये मोस्ट ज़्यादा चांसेस है कि पेन पेपर बेस्ड ही होगा, हालांकि इसके रिगार्डिंग अभी कुछ डिटेल में नहीं बताया है सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बताया है, क्योंकि एक नोटिस आई थी जिसमें केवल टाइपिंग टेस्ट एंड जो ऑनलाइन जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होने वाली है उसके रिगार्डिंग उन्होंने क्लियर कर दिया था कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑनलाइन होगा, लेकिन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑनलाइन होगा या पेन पेपर बेस्ड होगा इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं बताया। तो आप मान के चलो कि हो सकता है पेन पेपर बेस्ड ही वो कंडक्ट कराएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप प्रिपरेशन करो। देखिए इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव इंप्रूव करने का एक ही तरीका है कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग करो, जितना आप न्यूज़पेपर रीडिंग करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जैसे एसे आप लिखते हो ना तो एसे के लिए कंटेंट चाहिए, कंटेंट कहाँ से आएगा, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे उसमें अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर पढ़ोगे, खास करके एडिटोरियल पे जब आप पढ़ोगे तो अलग अलग व्यूज़ उसमें आपको पता चलते हैं, अलग अलग जो लोग उसमें अपने एडिटोरियल में अपने व्यूज़ लिखते हैं तो उससे आपको पता चलेगी, उससे आपको पॉइंट्स मिलेंगे एसे के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। और एक चीज़ और होती है, जैसे जब आप बुक पढ़ते हो, जैसे जब आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो तो उसे आप एक बेसिक वे में समराइज़ कर सकते हो, तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो इस चीज़ के लिए, जो
आपका प्रेसाई राइटिंग आता है उसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हालांकि प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे भी मैं कुछ पीडीएफ डाल दूंगा, तो वहां से आप देख लेना, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हालांकि मैं आपसे यही कहूंगा कि अभी आपको केवल जो स्टेज वन होने वाला है उसकी आप प्रिपरेशन करो, स्टेज टू के लिए अभी आपको नहीं सोचना है, क्योंकि स्टेज टू के लिए आपको काफी टाइम मिल जाएगा। पहले आप फोकस करो स्टेज वन क्लियर करने के लिए। ये थी सुप्रीम कोर्ट के जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या रेलवेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप जॉब यूनिवर्सिटी की ऐप इंस्टॉल कर लेना। देखिए, ये इस ऐप में हमने सारी चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड की है, प्रिपरेशन की पूरी कंप्लीट कोर्स है, साथ ही साथ मॉक टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल है, एंड ये कम्प्लीटली बिल्कुल मिनिमम प्राइस में हमने रखी है ताकि आपको प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप जाके ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, ऐप की डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, आप ऐप जरूर इंस्टॉल कर लेना। एंड इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।